क्वेश्चन नंबर वन देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बट वन मार्क में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखो। वो कह रहे हैं जी, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो भाई टू सर्कल्स क्या करते हैं, टू पॉइंट, ये जो दो सर्कल हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए ये यहां कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे 2 पॉइंट्स पे। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। तो जरा देखिएगा भाई, ये वाला जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा कुछ रहेगा, छोटे वाले की जो रेडियस है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर कहां होगा, यहां कहीं बीच में होगा या नहीं होगा। हाँ जी, अगर मैं यहां से आता, दोनों के सेंटर सेम है क्या, कॉमन कॉर्ड, अच्छा इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, कुछ इतना बड़ा होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के आसपास। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसकी 3 सेंटीमीटर रेडियस लूं, किसकी, यहां से यहां तक, कुछ यहां से यहां तक होगा 3 सेंटीमीटर। भाई मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं इसको, देखो व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो किसकी रेडियस है, इस छोटे वाले सर्कल की, ठीक है। अच्छा, कॉमन कॉर्ड कहां से कहां तक होगी, जरा देखिए, कॉमन कॉर्ड जो है वो यहां से यहां तक होगी। ये सर्कल की कॉर्ड ऐसी क्यों बन रही है, टेढ़ी क्यों बन रही है, सर्कल टेढ़ा है। चलो सर्कल को थोड़ा सीधा करते हैं भाई, सर्कल को थोड़ा सीधा, अब ठीक है, इसको घुमाते हैं, तो कॉर्ड जो है वो कॉमन कॉर्ड कुछ ऐसी होगी, और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, टू सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा। हाँ जी, अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो लाइन है वो इसको क्या कर रही होगी, बायसेक्ट कर रही होगी, क्या कर रही होगी, बायसेक्ट। और अगर बायसेक्ट कर रही है, इसको जरा थोड़ा छोटा करूं, अरे रुक जाओ यार, शांति बनाए रखो। देखो एक बात हो, इस सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। हाँ जी भाई, यहां से यहां तक कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया जी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर। अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी। किसने स्केल से नापने के लिए बोल दिया, इधर देख लो जरा, 5 सेंटीमीटर ये वाली है जो परपेंडिकुलर की साइड पे हाइपोटेन्यूस ये होगी ना। अच्छा, 90 डिग्री के सामने होती है हाइपोटेन्यूस, यही नहीं पता आपको, ये 5 सेंटीमीटर है। ये देखो जरा, ओ है और ये क्या हो गया, ओ डैश, ये मान लीजिए पी, ये क्यू, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए आर, ठीक है, कुछ ऐसा मान लीजिए। अरे हाइपोटेन्यूस अलग होती है, परपेंडिकुलर अलग होती है भाई, 5 सेंटीमीटर होगी ना परपेंडिकुलर। जब बड़े वाले सर्कल की रेडियस ही 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो वो कैसे हो जाएगा, फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना। देखो इधर, सिंस रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, जरा देखो, पी ओ डैश ओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। भाई यहां पे परपेंडिकुलर कितनी है, यही तो हमें निकालनी है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। एक बात बताओ, हम मुझे कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री होगा यहां पर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे निकाली जाती है, परपेंडिकुलरली,
क्या बात समझ में आ रही है? तो परपेंडिकुलरली अगर आप निकालेंगे तो यहां पर परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, क्या नहीं पता है, पी ओ डैश हमें नहीं पता है, लेकिन हमें बेस पता है कितना 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस पता है कितनी 5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? पी ओ डैश का स्क्वायर ये हो गया कितना 16 और ये कितना हो गया 25। ये प्लस में है 16, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो पी ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा, और यहां से स्क्वायर हटेगा उधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो पी ओ डैश कितना आ गया बताओ जरा 3 सेंटीमीटर। ये पी ओ आया है, हमें पता है अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूं क्या के ओ पी क्यू कितना होगा पी क्यू, तो ट्वाइस ऑफ पी ओ डैश, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू पी ओ, और पी ओ की वैल्यू कितनी आई है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 6 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट?